हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मेंटेनेंस यानी भरण पोषण जो कि वाइफ और बच्चों को दिया जाता है, इस तरह के केस में पत्नी की पूरी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस पा सके, तो वहीं पति की ये कोशिश होती है कि वो कम से कम मेंटेनेंस दे। इसी वजह से जो पत्नी होती है वो बढ़ा चढ़ा कर अपने एक्सपेंसेस बताती रहती है, तो दूसरी ओर जो पति होता है वो अपनी इनकम को कम बताते हैं और कोर्ट में अपनी इनकम शो नहीं करते ताकि वो मेंटेनेंस देने से बच सके। ऐसा कई बार देखा गया है कि वाइफ अपनी अच्छी खासी अर्निंग करती रहती है, फिर भी कोर्ट के थ्रू उनको एक्सेस अमाउंट वाइफ को ऑर्डर कर दिया जाता है। जब ऐसे मामले सामने आए सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कुछ भी कहेगा तो मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होगा। हर केस में कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसके चलते ये डिसाइड किया जाना चाहिए। तो इसी तरह के मामले में नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है जिसे हर कोर्ट को फॉलो करनी होगी। तो यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं जजमेंट और उसके फैक्ट की ओर। ये जो जजमेंट है ये अदिति वर्सेस जितेश शर्मा का है। ये जजमेंट जो है वो 6 नवंबर 2023 में आया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन भी दी है। तो अब हम इस जजमेंट के फैक्ट को देखते हैं। इस केस में हस्बैंड और वाइफ की 2008 में शादी होती है। शादी के कुछ टाइम बाद उनके दो बच्चे भी होते हैं, जो कि एक लड़का और एक लड़की होती है। शादी के कुछ साल बाद दोनों कपल में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और बात डिवोर्स तक जा पहुँचती है, और जो लड़का है वो हस्बैंड के साथ रहने लगता है, जो कि लड़की है वो वाइफ के साथ रहने लगती है। इसके बाद हस्बैंड जो है वो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर देता है, तो वाइफ जो है वो अपने और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाती है। जो वाइफ है वो सेक्शन 125 ऑफ CRPC के तहत एप्लीकेशन फाइल करती है। तो ये सेक्शन डील करता है मेंटेनेंस को। तो सेक्शन 125 ऑफ CRPC में ये बताया गया है कि जिस भी सिचुएशन में कोई एक पार्टनर या बच्चा जो माइनर है वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता है, वाइफ या हस्बैंड या बच्चे खुद को अगर मेंटेन नहीं कर सकते, वो इस स्थिति में ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे पार्टनर को मेंटेनेंस देना होता है। इसके बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो जाता है, पर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पेंडिंग होती है कोर्ट में। इसके बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनती है और सुनने के बाद ये डिसाइड करती है कि वाइफ को डिवोर्स के टाइम एलिमनी मिल चुकी होती है, तो यहाँ वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो बच्ची है उसको सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए 20,000 रुपये ग्रांट करती है। लेकिन जो हस्बैंड है वो 20,000 रुपये के इस फैसले पे एग्री नहीं होता है और वो हाईकोर्ट को अप्रोच करता है। हाईकोर्ट में हस्बैंड ये बताता है कि उसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो इतनी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको कम कर दिया जाए। तो हाईकोर्ट बिना किसी रीज़न के उस अमाउंट को घटा के 7,500 कर देती है। लेकिन अब वाइफ जो है उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती है। इसके बाद जो बेटी है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस केस के सभी फैक्ट्स को देखती है। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया था उसको एनालाइज करती है, जिसका नाम है रजनेश वर्सेस नेहा, जो कि नवंबर 2021 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किए थे जिसे सभी कोर्ट्स को फॉलो करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो इस केस के पैरा नंबर 72 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वाइफ होती है वो अपने डिमांड्स को बड़ा चढ़ा कर लिखती है, तो वहीं कहीं बार जो हस्बैंड होते हैं वो अपने इनकम को छुपा लेते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि अब से जो भी हस्बैंड और वाइफ हैं उनको कोर्ट में एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें उनको अपने एसेट्स, लायबिलिटीज और इनकम को बताना होगा। ये दोनों पार्टीज को मैंडेटरी होगा, इसमें वो अपनी इनकम को छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि एफिडेविट में अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 340 ऑफ CRPC के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसीज ऑफ द केस आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये कहा कि जब रजनेश वर्सेस नेहा क्लियर जजमेंट था तो हाई कोर्ट ने इसको फॉलो क्यों नहीं किया, जब फैमिली कोर्ट ने प्रॉपर रीज़न देते हुए 20,000 रुपये ग्रांट किए थे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे लैंडमार्क जजमेंट को एनालिसिस करते हुए कहा, जिसका नाम है नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी, जो दिसंबर 2022 का रिसेंट जजमेंट है, इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एनालिसिस किया और कहा कि नेहा त्यागी में कोर्ट ने क्लियर कर चुकी है कि डिवोर्स हो भी जाए तो भी फादर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे अपने माइनर सन या डॉटर की प्रॉपर देखभाल करें जब तक कि वो मेजॉरिटी में नहीं आते, यानी जब तक कि वो 18 साल के नहीं होते तब तक उनको मेंटेनेंस देना होगा। इसलिए दोनों जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करती है और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को, फैमिली कोर्ट्स को डायरेक्शन देते हुए कहा कि सभी कोर्ट में रजनेश वर्सेस नेहा की जजमेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी और आगे से जो भी मेंटेनेंस के केस होगा, चाहे वो 125 ऑफ सीआरपीसी का हो या फिर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हो, इन सभी केसेस में रजनेश वर्सेस नेहा को फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सभी जजमेंट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसको ज़रूर इसका लाभ उठाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय बाय।